कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए। जय माता दी। एक ऐसा का स्वागत आज के इस वीडियो में आप लोगों को ओबीएस के 4.1 होम थिएटर ST101 और ST301 इन दोनों की फाइट क्लब वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है यार कि किसको चुने इन दोनों में से, और बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी साउंड कम है किसी की साउंड ज्यादा है, किसी की लाउडनेस ज्यादा है, ये सारे की बहुत लोग बोलते हैं। तो अब इस वीडियो को देखिए, अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा चूज कीजिए, और मे भी आप रिग्रेट ना करो, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं। तो सबसे पहले मैं बोलू आपको, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया अपने ऑडियो स्पीकर के थ्रू, और मैंने इसको कनेक्ट किया अपने लैपटॉप से। दोनों ही ऑक्सिलरी पोर्ट पे है, दोनों की जो वॉल्यूम है वो फुल है, 32 पे बेस फुल है, ट्रेबल फुल है, सब कुछ वही है। दो स्पीकर सामने की तरफ रखे हुए, दो स्पीकर नीचे की तरफ रखे हुए दोनों के ही। तो अभी मैं एक जो सॉन्ग बजाने वाला हूं वो है NCS का एरोकॉर्ड सरफेस। तो आप इसको सुनिए, और एक बात मैं बता दूं, आप देख लो ये ब्लिंकर है, ये ब्लिंकर है, यानी कि ये अभी ऑफ है, म्यूट है, और ये स्टिल है, इसका मतलब ये बजेगा। तो अभी मैं जो भी गाने बजाऊंगा वो ये 101 में बजेगी। जैसा कि आप लोगों से साउंड सुने, आप मेरे को एक बात बताओ यार कि इन दोनों में से आपको साउंड किसी की कम लगी? साउंड यार किसी की कम नहीं है, दोनों की लाउडनेस काफी ज्यादा है यार, किसी की भी लाउडनेस कम नहीं है, दोनों ही ज्यादा है। मे भी आपको लगे कि 301 थोड़ा सा ज्यादा लाउड है, बट इसको आप बोल नहीं सकते कि यार जिसकी लाउडनेस कम है। तो अगर कोई बोलता है कि 101 की लाउडनेस कम है तो वो गलत बात है यार, किसी की भी लाउडनेस कम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे ये है यार कि लाउडनेस की बात जो करते हैं ना, वो लाउडनेस एक्चुअली साउंड की लाउडनेस नहीं है, वो जो वोकल्स होते हैं ना, वोकल्स की लाउडनेस की डिफरेंस है यार। यहाँ पे जो 101 है इसकी जो वोकल्स है वो थोड़े से लो है, जिसकी वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि लाउडनेस कम है। लाउडनेस कम नहीं यार, वोकल्स कम है, लाउडनेस काफी अच्छी है। जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आपको जो सॉन्ग में कुछ भी बज रहा है ना, उसकी जो लाउडनेस है वो ज्यादा है, बट जो वोकल्स होते हैं वो थोड़े से कम आपको 101 में देखने को मिलते हैं। वही 301 में क्या है, जो म्यूजिक और जो वोकल्स है वो दोनों ही ज्यादा लाउड है, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि लाउडनेस ज्यादा है 301 में, 101 के मुकाबले लाउडनेस नहीं यार, वोकल्स बेटर है, वोकल्स ज्यादा लाउड है 301 में 101 के मुकाबले। तो लाउडनेस समझ गए आप मैं क्या बोलना चाहता हूं, लाउडनेस में दोनों ही बेहतर है, वोकल्स थोड़े से कम है 101 में। बात करें क्लैरिटी की तो क्लैरिटी दोनों की बेटर है, दोनों ही बेहतर है, बट 101 को सुनकर ज्यादा मजा आता है यार। इसको आप ज्यादा देर तक भी सुनोगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो इसकी वोकल्स मुझे कानों में लग रहे थे ये उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। एक्चुअली देखिए अलग अलग बजाय तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसकी लगे के साउंड काफी बढ़िया है, बट जो दोनों को साथ में बजाते ना तो ये 101 ये काफी बेटर समझ में आ रहा है, काफी बेहतर साउंड इसकी लग रही थी, काफी बेटर क्लैरिटी भी लग रही थी मुझे 101 की।
तो जैसा कि आप लोगों ने इन दोनों की साउंड सुनी, आपको समझ में आ गया होगा बेस किसकी बेहतर है। यार इसकी जो साउंड है, इसकी जो बेस इफेक्ट है वो काफी तगड़ी है, क्योंकि ये मे भी हो सकता है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 35 हर्ट्ज तक नीचे जा सकती है सबवूफर की, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबवूफर की वो है 50 हर्ट्ज तक। प्लस यहाँ पे आपको लगा गया 6.5 इंच का सबवूफर, यहाँ पे 5.25 इंच का सबवूफर, तो ये दोनों डिफरेंस है यार, ये मैटर करता है। अगर बेस चाहिए यार तो ये काफी तगड़ा ऑप्शन है। ये इसमें आपको क्लैरिटी भी काफी मस्त मिलती है, बेस भी तगड़ी है और लाउडनेस तो अच्छी है ही, वोकल थोड़ा सा लो है बट वो थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है। तो मेरी जो राय है यार वो मैं ये प्रेफर करूंगा 101 301 के अगेंस्ट में, क्योंकि मुझे इसकी साउंड काफी बेहतर समझ में आई। हालांकि आपने गौर भी किया होगा जब मैं साउंड टेस्ट कर रहा था तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा देर तक बजा दे रहा था कभी कभी, क्योंकि मुझे इसकी जो साउंड लग रही थी ना वो काफी अच्छी समझ में आ रही थी, काफी डिसेंट फील हो रही थी, काफी मस्त लग रही थी। 301 को बजा रहा हूं तो वो भी ठीक है, बट ये वाला काफी बेहतर है यार, काफी बेहतर है। तो ये थी मेरी फाइट क्लब वीडियो ओवेस के 4.1 होम थिएटर्स की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल के जाइए, जो भी आपको मन में आ रहा है मेरे बारे में या कुछ भी किसी मेरे चैनल के बारे में तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ये मुझको मोटिवेट करता है, मुझको बनाए रहता है इस YouTube चैनल पे।